अब हमने अपने होम स्टे से चेकआउट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं कसार देवी टेम्पल, और कसार देवी टेम्पल में माँ के दर्शन करने के बाद हम शाम को जाएंगे कुसानी। तो चलिए माता के दर्शन करने चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं कसार देवी मंदिर। ये माँ दुर्गा का मंदिर है। मेन मंदिर तक तो 1 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है, तो चलिए हम उस ट्रैक को एंजॉय करते हुए माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं और उनके दर्शन करते हैं। कश्यप पहाड़ी है। इसी कश्यप पहाड़ी की गुफा में माँ का मंदिर बना हुआ है। दर्शन कर लिए हैं। उत्तराखंड की इस जगह में असीम कृपा है। यहाँ पर माँ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी रूप है। 2-2.5 हजार साल पहले माँ दुर्गा ने कात्यायनी रूप धारण किया था राक्षस शुभ अशुभ का वध करने के लिए। 1980 में स्वामी विवेकानंद जी भी यहीं पर आए थे 3-4 महीने की साधना करने के लिए, और उनकी आध्यात्मिक उन्नति और उन्हें जो अनुभूतियाँ हुई थी वो यहीं पर प्राप्त हुई थी। तो इस जगह में एक्चुअली बहुत ही चुंबकीय शक्तियां हैं। पूरे वर्ल्ड में 3 ही ऐसे जगह हैं जहां पर ऐसी चुंबकीय शक्तियां हैं, और भारत में ये पहला स्थान है और विश्व का 3रा स्थान है। नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हैं यहां की ऐसी शक्तियों को देखकर, और वो भी अभी तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। तो चलिए आगे, हमारा शिव मंदिर है वो, हम भगवान शिव के दर्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर गुफाएं हैं जहाँ पर कहते हैं बौद्ध धर्म के लामा गुरु थे, उन्होंने भी आकर यहाँ पर साधना करी थी। तो हम भी थोड़ा सा वहाँ जाकर दर्शन करते हैं और यहाँ की शक्ति को अनुभव करते हैं। के भी दर्शन करते
माँ के दर्शन कर लिए हैं, भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। और जैसा कि आपको पता है यहाँ की एनर्जी बहुत हाई होती है, तो हम भी थोड़ी देर उस एनर्जी को फील करते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। नीचे गुफाएं हैं, हम फिर गुफाओं के दर्शन करेंगे। वो दिखेगा आपको, उसमें एक ढक्कन दिखेगा, वो मैला मैला गंदा सा, और उसके नीचे से रास्ता है। विवेकानंद ने उसके नीचे वो नीचे तपस्या की 24 घंटे। मैं भी गया हूँ जब इतना बालक था, वो नीचे तक अंदर ही अंदर कोई भूल जाना होता है। नथिंग इज हियर, ओनली गॉड इज हियर। यही है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है ना, इसलिए पावरफुल जगह है। हाँ, पावरफुल जगह है, क्योंकि ऋषि मुनि ने पहले यहाँ तो जनता थोड़ा आती थी। हम तो यहाँ पैदा हुए, यहीं हमारा गांव है, तब हमको इतना इतिहास मालूम है। उससे पहले हमने ये देखा कि कोई महान पुरुष ही आते थे यहाँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम हरियाणा, सोनीपत। हरियाणा से? तो यहाँ उत्तरांचल में एक स्वामी राम हुए हैं जिन्होंने 45 साल तपस्या की थी हिमालय में। 5 साल के हिमालय चले गए थे वो। हिमालय 1500 किलोमीटर है नेपाल से लेकर कश्मीर तक। हाँ, पूरा हिमालय तुम्हारे साथ सामने ही है बिल्कुल ऐसे। ये जो पत्थर का है नीचे ना, हिमालय पर्वत जो बना है, पहले तो पत्थरी का बना है वो नीचे से। वो इतना ब्यूटीफुल बना है, उसमें भगवान ने सभी चीज़ डाल दिया। क्या, जैसे वहाँ केव हैं, एक बच्चे के बैठने का भी है, सिर्फ वो आसन लगा के बैठेगा, ध्यान करेगा बस। मैं कहाँ से आया हूँ और फिर मैं वहीं जाना चाह रहा हूँ। कोई ऐसे विलक्षण पैदा होते हैं दुनिया में, किस घर में कौन सा कैसा पैदा हो जाए कोई जान नहीं सकता, ऐसा नहीं लग सकता, सभी कुछ यही है ना। तो इसलिए वहाँ हिमालय में स्वामी राम ने वहाँ 45-50 साल तपस्या की, 5 साल के चले गए थे। वहाँ से हिमालय में जो संत तपस्या कर रहे होते हैं पौराणिक समय से, हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, जो वहाँ बाहर की दुनिया जिन्होंने देखी ही नहीं है, उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब भी नहीं है, भगवान से मतलब है बस। तो स्वामी राम भी जब निकले थे ना, 5 साल के वहाँ गए थे, 45 साल वहाँ रहे, 50 साल की उम्र में उनको उनके गुरु जी ने बोला बाहर जाओ, चलो यहाँ से, तुम यहाँ से जाओ पहले जापान, जापान से अमेरिका जाना, वहाँ भजन करवाना। अब तो दुर्लभ हो गए हैं ऐसे कार्य, ऐसे संतों का मिलना भी दुर्लभ हो गया। तो यहाँ कभी कभी आते हैं जिज्ञासु पुरुष, पहले से आते चले आ रहे हैं, तो कभी कभी दर्शन हो जाते हैं। और जैसे हम कहते हैं, सभी कहते हैं भैया वहाँ कसार देवी पावरफुल जगह है, वहाँ जाके ध्यान करना। मैंने ध्यान करने वाला 2-4 ही बंदे देखे यहाँ, जिनने 24 घंटा 18 घंटा 22 घंटा 18 घंटे से कम नहीं, 10-10 दिन तक ध्यान किया। मगर अपने घर ही सबसे बड़ा स्थान है सब करने के लिए, बड़ा पवित्र मंदिर वही है ना। हम पहले तो ये कर्तव्य है, इस कर्तव्य को निभाएंगे तभी वहाँ भी हमें जगह मिलेगी, जगह मिलेगी। अगर हम वहाँ चले गए और जो कर्तव्य भगवान ने हमें सौंपा है वो नहीं करा, तो फिर वहाँ भी हमें मोक्ष प्राप्त। जो आप गुफा देख रहे हैं, इस गुफा का नाम है स्वामी विवेकानंद गुफा, क्योंकि यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने साधना करी थी। ये गुफा यहाँ से अंदर शिवलिंग तक जाती है और यहीं से नीचे जाकर कोसी नदी तक जाती है, तो स्वामी विवेकानंद ने यहीं पर साधना करी थी, इसलिए इस गुफा का नाम स्वामी विवेकानंद गुफा है। तो आप देख सकते हैं अंदर अभी बंद कर रखी है पत्थरों से, ताकि हम में से कोई अभी ना जा पाए।